हजरत सदर साहब ने जो आप हजरात को यहाँ तकलीफ़ देने का मकसद था उसके सिलसिले में रोशनी डाली है। मुसलमान मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामा मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रख कर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में 1991 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी और हम पूरी कुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहाँ बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है, ये फैसला कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कवानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनकी इनके किताबों को आग लगाओ, कोई चीज़ नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदत अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। ये तो एक तस्वूर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपने अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा, तो मुल्क कैसे चलेगा। ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अकलियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है
और उसके अंदर अकीदत के अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए, यही मसला है। ये मुल्क का मैं समझता हूं बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ा अलमिया समझता हूँ और एक ये दाहिया है, बड़ा मसला है। इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले के मुल्क को किधर लेकर के चलना है। मैं इससे ज़्यादा अपने अफसोस का कोई और